Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या बात है पिया, बहुत अपसेट नजर आ रही हो। नीचे भाभी भी परेशान है। रहने दो पुष्कर, ये झगड़े तो इस घर में हर रोज होते हैं। कम ऑन पिया, बताओ मुझे बात क्या है। पुष्कर, तुम नहीं जानते आज क्या हुआ। आज तुम्हारी भाभी ने सारी हदें पार कर दी। सबके सामने पार्टी में मेरी इंसल्ट की। उन्होंने मेरे डायमंड इयररिंग्स को नकली बताया। वो समझते क्या है अपने आप को? पिया, तुम इन छोटी छोटी बातों को दिल से क्यों लगा लेती हो? पुष्कर प्लीज पिया, इन औरतों के झगड़ों से मुझे दूर रखो। मैं वैसे ही बहुत थक गया हूं। पुष्कर, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं थी तो फिर तुमने मुझसे पूछा क्यों? इस तरह भागने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है पुष्कर। तुम्हारी भाभी ने मेरी इंसल्ट की है। कुछ भी हो जाए, इस इंसल्ट का जवाब मुझे देना ही होगा। पिया, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं पुष्कर, मेरे लिए हर बात का मतलब है। मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती हूँ। लेकिन लोगों की बातें सुनने नहीं आई हूँ मैं यहाँ। सीमा भाभी हर बात पर मुझे नीचा दिखाती है, ये एहसास दिलाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। पुष्कर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया के सारे ऐशो आराम मैं हासिल कर सकती थी, लेकिन ये सब सैक्रिफाइस किया है मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन पिया। नहीं पुष्कर, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुम मेरी लाइफ इतनी मिजरेबल कैसे बना सकते हो? तुम कैसे चाह सकते हो कि मैं सबके अपमान सहती रहूं, सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं, सबकी बातें सुनती रहूं? सीमा भाभी ने सबके सामने मेरा अपमान किया है। अब मुझे वो सॉलिटेयर इयररिंग्स चाहिए। कुछ भी हो जाए, सीमा भाभी के फ्रेंड्स के सामने मुझे अपने आप को साबित करना है। टोनी, आज खाने में हमारे घर में ये सब आइटम्स बनेंगे, तुम जाकर तैयारी करो। टोनी, ये लोग कौन है? मैम, वो ये रोशनी मैम के पर्सनल सर्वेंट हैं। लेकिन टोनी, रोशनी जी का ख्याल रखने के लिए हमारे घर में काफी सर्वेंट्स हैं, तो इनकी क्या जरूरत है? जरूरत है बानी, जरूरत है बानी, इसीलिए तो इन्हें बुलाया है। देखो, मेरे सर्वेंट्स मेरी हर आदत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे फूड हैबिट्स, मेरा रूटीन, इन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता है, इसलिए कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। टोनी, यस मैम, एक काम करो, इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर्स दिखा दो और हाँ, किचन भी दिखा दो। मैम। आह शरद, अब तुम आ गए हो तो आज शाम मैं डिनर नहीं खाना चाहती, जस्ट लाइक अ नाइस चिकन सूप, वही बना दो। रोशनी जी, 10 दिन तक हमारे घर में चिकन सूप नहीं बन सकता, क्योंकि अब वो रोशनी जी ने जो कहा है, जाकर उसकी तैयारी करो। देखिए, चिकन सूप अब तुमने समझ के रखा अपने आप को। मासी जी को आगे करके माँ के हाथों से इस घर की चाबी क्या ले ली, खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी हो। इस घर में तुम्हारी क्या हैसियत, क्या औकात, ये हमें बार बार बताना पड़ेगा। रोशनी जी इस घर की मेहमान है और हमारे घर में मेहमानों को पूरी इज्जत दी जाती है। अब इस घर में क्या सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा? इनकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने इन्हें जो खाने की सलाह दी है वही इस घर में बनेगा। अब तुम खुद हमारे मेहमान का ये काम पूरा करोगे। ये सब क्या हो रहा है रणवीर? देखिए ना मामा जी, मासी जी तीर्थ यात्रा पर गई हैं और मामी जी पूरी दुनिया को वेजिटेरियन बनाने पे तुली हुई हैं। अगले 10 दिनों के लिए इस घर में नॉनवेज नहीं बन सकता।
लेकिन आउटहाउस में बन सकता है। नॉनवेज की पाबंदी इस घर के लोगों के लिए, मेहमानों के लिए नहीं। रोशनी को जो भी चाहिए उसे मिले। अगर उसे चिकन सूप चाहिए तो उसे चिकन सूप मिलेगा। प्लीज सी टू इट पर्सनली। मैं जानती थी जय, कोई समझे या ना समझे तुम मुझे जरूर समझोगे। थैंक यू सो मच। पुत्र, ये रोशनी को घर में नॉनवेज खाने की परमिशन किसने दी है? अरे आज सुबह तो तय हुआ था, जय ने कहा था 10 दिन तक घर में नॉनवेज नहीं आएगा, लेकिन शाम तक मूड कैसे बदल गया इसका? दादी, मिस्टर वालिया ने कुछ गलत नहीं किया है, उन्होंने किसी को भी किचन में नॉनवेज बनाने की परमिशन नहीं दी है। अब आप चिंता मत कीजिए, 10 दिनों तक हमारा घर पाक साफ रहेगा। हाय पुत्र, तेरी बात पे तो दम है। दादी, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पुत्र, बिल्कुल पूछ। दादी, मैं आपसे रोशनी के बारे में पूछना चाहती हूँ। दादी, रोशनी का हमारे घर से और मिस्टर वालिया से क्या वास्ता है? क्या हुआ दादी, आप ये सवाल सुनकर इतनी परेशान क्यों हो गई? बाने पुत्र, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते दुनिया में, और शायद रोशनी भी ऐसा ही सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका जवाब नहीं होना उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। इसका जवाब सिर्फ जय पुत्र ही जानता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है जो उस बात को खुलासा नहीं करता है वो। क्या जानना चाहती हो तुम दादी से? तुम्हें मेरी या मेरी हिस्ट्री के बारे में जानने का अधिकार दिया किसने? मिस्टर वालिया, मैं बस दादी। शट अप। तुमसे जितना कहा जाता है उतना करो, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम तुम्हें यहां पर बस थोड़ा ही और वक्त निकालना, चुपचाप वो वक्त निकालो और निकल जाओ यहां से। अगर तुमने कभी भी मेरे अतीत के बारे में जानने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा भविष्य कहीं का नहीं छोड़ूंगा। बानी बेटी, कल जय ने जो कुछ भी कहा मुझे बहुत बुरा लगा, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती। बेटा, दादी, दादी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? गलती तो मेरी थी, मुझे मिस्टर वाले के बारे में कुछ भी जानने का हक नहीं है। Excuse me? Breakfast ready है। चलो बेटी, नाश्ता कर लो। नहीं दादी, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी। क्यों? आज मेरा व्रत है। किस चीज का व्रत है तेरा? दादी, आज अंगारिका चतुर्थी है। कहते हैं अगर आज के दिन व्रत करे तो 21 दिन के व्रत के बराबर होता है, और आज गणेश जी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं पानी भी नहीं पी सकती। पानी? दादी, मामी जी ठीक कर रही, आज निर्जल व्रत है, और आज इस शुभ अवसर पे मैंने शाम को घर में कुछ ब्राह्मणों को खाने पे बुलाया है। रणवीर बेटे, इस फास्ट के बारे में मैंने भी कुछ सुना है। मैंने सुना है कि व्रत रखने वालों के हाथ से अगर ब्राह्मणों को खाना दिया जाए, दान दक्षिणा दी जाए।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।